बढ़िया, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरठ में और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। आज जिस जगह पर मैं आपको RITS का काम दिखाने वाला हूँ, इस जगह पर हम और आप पहली बार आए हैं। पूरे देशवासियों को NCERTC की तरफ से दिवाली का उपहार दिया गया है, और वो उपहार दिया गया है टर्नल बोरिंग मशीन का ब्रेक थ्रू करके। और आज अगर यहाँ का एटमॉस्फेयर देखेंगे तो ये बहुत ही एनर्जेटिक है। वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई है कि किस तरीके से भारत माता की जय से लेकर वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये दिन वाकई में बहुत ही बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से NCERTC का पूरा अभी तक का काम रहा है, उसका यहाँ पर एक आपको गैलरी दिखेगा जो कि यहाँ पर इन्होंने लगाया है 2019 से लेकर अभी तक। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा काम हुआ है। देखेंगे तो ये प्री का स्लैब है जो कि डाला जाता है ट्रैक के ऊपर, इसका एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद देखेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहां पर इंडियन रेलवे की लाइन को क्रॉस किया था दिल्ली मेरठ RITS ने। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं एलिवेटेड पार्ट, जो कि इसका फेज वन है जो अगले साल मार्च 2023 में स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर जो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पूरा जो 70 किलोमीटर का पार्ट है उसको कनेक्ट कर दिया जा चुका है। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये है उस सुदर्शन मशीन, यानी कि टर्नल बोरिंग मशीन है ये, जिसकी मदद से टर्नल बनाया जाता है। उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लगाया गया है ये जो है गाजियाबाद RITS स्टेशन है ये। ये देखिए ये ड्रोन शॉट है इसका। तो इस जगह पर हर वो चीज़ दिखेगी जैसे जैसे NCERTC ने अभी तक काम किया है। और वैसे अगर बताऊँ तो लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट अगर आपको यहाँ पर देखना है तो सबसे लेटेस्ट तो आपको ये दिखेगा, द्वाई डिपो में आपको दो RITS की ट्रेन दिखेगी जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। मैं आपको नीचे लिए चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से टर्नल का काम यहां पर किया है। नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर दो बड़ी बड़ी मशीनरी सबसे पहले आपका स्वागत करेगी, और उसके बाद यहाँ का अगर माहौल देखेंगे तो वो बहुत ही एनर्जेटिक है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ का नजारा। यहाँ पर जिन टीमों ने काम किया है मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली राजानशारी है। ओके, तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं? मैं सर्वे का काम करता हूँ सर, मेरा पोस्टिंग है सर्वे असिस्टेंट है। अच्छा, और मैं सर्वे का काम देखता हूँ। ओके, क्या काम करते, क्या होता है आपकी टीम का काम, आप कैसे काम करते? मेरा टीम का काम तो बहुत बड़ा होता है सर, जो अपना आप देख रहे हैं अभी आज हम NCC और बेगमपुर के बीच में हमने आज टनल को क्रॉसिंग किया सर, तो हमारा सबसे अहम रोल सर्वे का होता है सर। इसमें किस दिशा में इस टीम को हमें मोड़ना है और इसका कैसे लोकेशन होता है, जिस हिसाब से ड्राइंग होती है उस हिसाब से हम लोग इसका डिटेल तैयार करते हैं और उस दिशा में हम लोग उसको लॉन्चिंग करते हैं, थ्रो करते हैं। अच्छा, आप ये भी बताइए जी सर हम लोगों को कि ये मशीन है जी, आगे तो इसको जैसे ट्रेन होता है, गाड़ियों होती है, उसमें शीशे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिखता है कि आगे क्या है जी सर। आप इसमें कैसे देखते हो? सर इसमें डिस्प्ले होता है सर, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है सर्वे। तो हमारा जो इसका टीम ऑपरेटर होता है, हमारा सर्वे डिपार्टमेंट का वो लोकेशन देकर वो चलता है सर। वो हमारा एक गाइडलाइन सिस्टम होता है उस सिस्टम को देकर सर, और एक होता है मैकेनिकल, उसमें वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उस बेस पे, जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, जब डिस्प्ले पे देखते हैं जी सर, तो आपको अंधेरा दिखता है पूरा या क्या दिखता है? हमें उसमें डिजिटल नंबर्स आते हैं कि okay. हमें उस नंबर से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पकड़ करके और लेवल हमें राइट एंड लेफ्ट एंड उसका लेवल पकड़ के चलना होता है कि हमारी मशीन को किधर राइट ले जाना है, कितना लेफ्ट ले जाना और कितने लेवल पर उसको चलाना है सर। आप समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट काम है जो कि इन्होंने इस जगह पर किया है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि कितना बड़ा दिन है इनके लिए, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? क्या बताऊँ सर, खुशी का ठिकाना नहीं रहा सर। बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा, बिल्कुल सही पॉइंट पर जाकर निकलना, उस तरह से हम लोगों को लग रहा है। हमारा बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पर हमारी मशीन निकली हुई है सर, तो हम लोगों का आज खुशी का ठिकाना नहीं सर। ये सबसे हैंडसम लग रहे हैं इसमें। चाचा थोड़ा आ गया, क्या करते हो आप यहाँ पर?
सर हम यहाँ से ये मेंटेनेंस का काम करते हैं, ये बनाते हैं, पैड वगैरह बनाते हैं, जिन्ने तारते हैं, इसको सब भाड़ा वगैरह बनाते हैं, इसके लिए सब कोई वो काम करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ही का होता है सर। हाँ, ये कि आप सारा स्ट्रक्चर तैयार करोगे, इसके बाद ये लोग काम करेंगे, है ना? अरे लगाए रहो, लगाए रहो। हाँ जी। कितना लंबा टर्नल है सर? ये 500 छह रिंग का है, तो लगभग आज अपनी तारीफ खुद करना बनता है, इतना बड़ा काम किया आपने, तो आप क्या कहना चाहोगे इसका? सर इसके लिए मैं सारे भाइयों बंधुओं का और छोटे से बड़े वर्करों का और इंजीनियर से लेकर के सारे डिपार्टमेंट अफगान के सारे फैमिली मेंबर्स और एंड एनसीआरटीसी का हमारा जो बहुत बड़ा सर एम रोल सबका रहा है और बहुत अच्छा हम लोगों के लिए खुशी का दिन है सर आज, और सामने हमारी दिवाली भी आ रही है सर, तो दोनों कितना अच्छा मैच किया सर, इसके लिए बहुत ढेर शुभकामनाएं हम अफगान के फैमिली मेम्बर की ओर की तरफ से दे रहे हैं सर, मेरठवासियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए सर, कि दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। एक शायरी याद आ रही है सर चार लाइनों की, आप समाप्त करें उसको प्लीज़। बतौर खास, ताजमहल की चिकनाई क्या संगमरमरी चट्टानों से है? नहीं, मजदूर के खुरदरे हाथों से है। अगर इनकी मेहनत रंग न लाती तो शाहजहां की ख्वाहिश भी अधूरी रह जाती, जैसा कि हम लोगों ने आज इसकी खुशी देख रहे हैं। अगर हमारे वर्कर भाई अगर इतनी मेहनत नहीं करते तो इसकी भी ख्वाहिश अधूरी आज रह जाती। तो हमारे सारे अफगान फैमिली मेम्बर एंड एनसीआरटीसी का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है सर, छोटे छोटे और बड़े से बड़े पोस्ट वालों का लेकर के, जो कि आज हम लोग एक खुशी देख रहे हैं सर सामने, और दिवाली भी आ रही सर, दोनों खुशियाँ सामने बिल्कुल एक साथ हो गई। तो इस शायरी पे एक ताली तो पहले बजा दो यार, क्या शायरी है ना। इनकी एनर्जी देखकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि कितना बड़ा काम किया है इन टीमों ने मिलकर इस जगह पर पे रखे, और सच बताऊं तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी है जो यहाँ पर इस वक्त पे इस मशीन द्वारा किया गया है और इन टीमों की मदद से किया गया है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई RS Live टीम की तरफ से और NCRTC टीम की तरफ से भी। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।